हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। होप करता हूँ सारे सेफ होंगे और अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। दोस्त, हमेशा की तरह ही रॉकी सिनेटी भी एक बार फिर से स्वागत करता है आपका आपके अपने इस यूट्यूब फैमिली में, जहाँ हम टीवी सीरियल के सभी सेलिब्रिटी से जुड़े हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। दोस्त, आज की इस एपिसोड में हम भारत के एक बेहतरीन सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी के रियल लाइफ पति के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, वही जया किशोरी जो अपने मधुर आवाज़ से आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्त, आए दिन सोशल मीडिया पर यह सर्च होते रहता है कि इनके हस्बैंड कौन हैं और क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में जया किशोरी की शादी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो इनके पति कैसे दिखते हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक क्या सच है और क्या अफवाह आप नहीं जान पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले कुछ जानते हैं इनके सफलता के बारे में। तो दोस्त, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सुजानगढ़ गांव से, जब इनका जन्म हुआ था। जन्म के उपरांत ही बताया गया था कि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है, जो कि बहुत कम लोगों को ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। दोस्त, आपको बता दें कि जया किशोरी का जीवन बहुत ही सादा है। जिस उम्र में लड़कियाँ शौक श्रृंगार करना, घूमना फिरना, नाचना गाना पसंद करती है, उस उम्र में जया जी भगवान का रास्ता पकड़ी और उसी मार्ग में अपना जीवन जीना सही समझा। वेल, आपको बता दूं कि जब यह केवल 6 साल की थी, तब से ही भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी और विशेष पूजा करती थी, और 6 साल की उम्र में ही भगवान के प्रति इनका इतना लगाव था कि वे तभी से ही श्री कृष्ण जी को अपना भाई, बंधु और मित्र सब कुछ मानने लगी। और जिस उम्र में इन्हें किताब के पन्नों को पलटना चाहिए, विद्यार्थी जीवन जीना चाहिए, उस उम्र में किशोरी जी ने भगवत गीता और अन्य कथाएँ दुनिया को सुनाती थी। लेकिन दोस्त, ऐसा भी नहीं है कि कथा के चलते जया जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वह आज भी समय निकालकर पढ़ाई करती है और यह अपने पढ़ाई में बीकॉम कर चुकी है। वेल दोस्त, आगे बढ़ते हुए अब बात करें इनके रियल लाइफ पति के बारे में। तो आपको बता दूं कि जया किशोरी की शादी अभी तक नहीं हुई है। इन्होंने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान बताई है कि ये शादी तो करेंगी, लेकिन उसमें अभी बहुत सारा समय है। इनका कहना है कि शादी करने के बाद कथा करना और ग्रस्त जीवन जीना बहुत ही समस्यापूर्ण रहेगा, और अभी जया किशोरी कथा को छोड़ना नहीं चाहती है। इनका यह भी कहना है कि यदि इन्होंने अभी कथा करना छोड़ दिया तो इनकी टीम जो इनके साथ काम करती है उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि वह इनके कारण ही कुछ पैसे कमा पाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जया कोई साधु या संत नहीं है, यह केवल एक साधारण स्त्री और एक कथावाचक भजन गायिका है। जया किशोरी के भजन सुनने के लिए लाखों की मात्रा में भक्तगण आते हैं, क्योंकि इनकी वाणी बहुत ही मधुर है, और इसी कारण इनकी कई एल्बम और गीत जो कि यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। दोस्त, यह गायिका के साथ ही एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो लोगों को जीवन को अच्छे से जीने की राह सिखाती है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ फाइनली आपको पता चल चुका होगा कि क्या सच है और क्या अफवाह। अगर आप भी इनके भजन कीर्तन को देखना पसंद करते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाद बाकी यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ 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 एक लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद।